आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें दोनों तरफ से बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि आपको जिस तरह से 11 मई को जो हमने जजमेंट और ये दिए निर्देश दिए हुए थे, जिसमें हमने ये तय किया था कि महाराष्ट्र के वो विधानसभा के स्पीकर के पास ये तय होगा और वो इसकी डिसीजन लेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अपात्रता के बारे में डिस्कशन डिसीजन लेने के लिए जो बातें उनको दी हुई थी, जो उनके ऊपर सौंपा गया था, उस पर आज 4 महीने बीतने के बाद भी कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ पे कोर्ट उसका इंतज़ार करता रहा। 4 महीने की जो मोहलत दी गई थी या 3 महीने की मोहलत, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि ये आंकड़ा के इस 90 दिनों में ही करो। वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रहती है और जिस तरह से राज्यों के जो स्पीकर्स रहते हैं वो ट्राइब्यूनल करके काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी रहती है, तो जिस तरह से हम आदर करते हैं आपका, आप भी हमारे जो भी निर्देश हैं, हम जो भी आपको आदेश यहाँ से देते हैं उसका भी आदर किया जाए। और अब वक्त ज़्यादा जाया ना करते हुए एक हफ्ते के अंदर में आप जो भी एक दूसरे को आदान प्रदान करने की बातें हैं, जो भी बातें रह गई है, ये हमें नहीं मिला, वो हमें नहीं मिला, इस तरह की बातें फिजूल, इसमें ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए जो भी चाहिए वो एक दूसरे को दे और इसकी सुनवाई फौरन लो और इसके ऊपर पूरा आपका अमल रहे और डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स की जाए। ये